हाय गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल. इट्स मी शालिनी. सो आज का वीडियो होने वाला है अगेन एक और हॉल, एंड दिस टाइम आई हैव अ जूडियो हॉल. सो आई हैव बंच ऑफ आइटम्स विद मी, और ये पूरा हॉल जो है वो प्लस साइज और कर्वी बॉडी टाइप के लिए होने वाला है. सबसे हाईएस्ट जो साइज जूडियो के ब्रांड में आपको मिल जाएगा, डबल एक्सएल मिलेगा, इससे हाईएस्ट नहीं मिलेगा. सो या डबल एक्सएल भी काफ़ी अच्छा बड़ा साइज है, एंड या पीसेस मुझे काफ़ी पसंद आए. पहले भी जूडियो से खरीद चुकी हूँ, सो आप डेफिनेटली ट्राई आउट कर सकते हैं. काफ़ी अफोर्डेबल पीसेस आपको मिल जाते हैं. सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड. सो फर्स्ट ऑफ आई हैव इज दिस नाइट सूट विद मी, जिसको मैं पहन चुकी हूँ एक बार, एंड ये शॉर्ट्स वाला नाइट सूट है, एंड आई एम इन द साइज डबल एक्सएल. इस पे बीज बनी हुई है एंड क्लाउड्स बने हुए हैं. ये पाउडर ब्लू कलर का है, मुझे बहुत अच्छा लगा. एंड स्पिराइट कलर की बीज एंड वाइट कलर के क्लाउड्स हैं. ये बेसिक सा टी शर्ट है, एंड ये इसके शॉर्ट्स हैं. काफ़ी अच्छा है, कंफर्टेबल है, सॉफ्ट फैब्रिक है इसका. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अप आई हैव इज दिस वाइट कलर का टॉप. जितने ज़्यादा बेसिक पीसेस खरीदेंगे उतने ज़्यादा वेज में आप उनको स्टाइल कर पाएंगे. सो ट्राई कीजिए आप बेसिक चीज़ें ही खरीदें. सो फुल स्लीव्स का टॉप है, एंड में इलास्टिक मिल जाती है, एंड एकदम क्लोज नेक वाला है. नेक पर आपको ये फ्रिल की डिटेलिंग मिल जाती है, एंड पीछे से इट इज़ ऑल प्लेन. सो ये फैब्रिक जो है ये सेल्फ प्रिंट, या फिर ऐसे कहेंगे हाँ सेल्फ प्रिंट ही फैब्रिक है, फैब्रिक में ही प्रिंट है. आगे से ये आपको ये बहुत ही प्रिटी सी डिटेलिंग दे रखी, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई. एंड ये इस टाइप का ट्यूनिक टॉप है, लाइक नीचे आपको चुन्नट वाला चीज़ मिल जाती है, लाइक यहाँ तक तो ये पूरा फिटिंग है, उसके बाद आपको ये फ्रिल वाली ऐसी डिटेलिंग मिल जाती है. एंड या आई क्वाइट लाइक्ड इट. थोड़ा सा ये शीयर है, सो अंदर स्पेगेटी पहननी पड़ेगी. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट अप अगेन एक और टॉप है. इस वाले टॉप का साइज इज डबल एक्सएल आई थिंक, या और ये एक मैंने वाइन कलर का टॉप लिया है, मरूनिश वाइन. इसका भी साइज डबल एक्सएल है. व्हाइट वाला टॉप इज प्योर कॉटन, और ये वाला है थोड़ा सा सिल्क साटन सॉर्ट ऑफ का टॉप है. तो ये शर्ट स्टाइल का टॉप है, एंड या ओके इसके सारे बटन्स खुलते हैं. इस टाइप से ये टॉप मुझे बहुत ही प्रिटी सा लगा. इस टाइप की इसकी ऐसी लूज सी स्लीव्स दे रखी है, एंड वी नेक है, और आगे पूरे बटन्स दे रखे हैं. एंड यहाँ से आप इसको लाइक साइड में से साइड में से आप इसको टाइट या ढीला कर सकते हैं, अपनी वेस्ट सिंच कर सकते हैं. आप देख सकते हैं दोनों साइड में आपको टाइंग डिटेलिंग मिल जाती है. आगे डोरी है और ये पीछे है, तो आप इसको यहाँ साइड से ऐसे करके बांध सकते हैं दोनों साइड से, तो बहुत ही प्रिटी लगता है. चाहे तो इसको एज अ लूज भी पहन सकते हैं, बट आपको थोड़ा सिंच वाला लुक चाहिए तो आप इसकी ये जो टाइंग वाली डोरी दे रखी है इसको भी बांध सकते हैं. आई गॉट वन शर्ट फ्रॉम मेन सेक्शन. येलो शर्ट मुझे बहुत ज़्यादा ही पसंद आई थी, एंड ये भी डबल एक्सएल साइज़ में है, और ये मैंने मेन सेक्शन में से ख़रीदी है. इसमें दो कलर ऑप्शंस अवेलेबल थे, बट मुझे एकदम ब्राइट ऑरेंज बहुत पसंद आया. बेसिक सी शर्ट है, लाइक एथनिक प्रिंट दे रखे है लाइक इस पर, और बहुत ही प्यारी है. सो आई थॉट क्यों ना मेन सेक्शन में से इस बार कुछ शर्ट ट्राई आउट की जाए. एंड मुझे लाइक मैं एक बार इसको पहन भी चुकी हूँ एज अ श्रग, तो काफ़ी अच्छी लगी. तो शर्ट को मैं एज अ श्रग भी पहन सकती हूँ, और खाली एज अ शर्ट भी पहन सकती हूँ. नेक्स्ट अप आई गॉट वन लाउंज पजामा, लाइक घर में पहनने के हिसाब से पजामा, और ये एक्सएल साइज में मैंने पिक किया है. और आप देख सकते हैं बेसिक सा कॉटन का पजामा है, बहुत ही अच्छा है, चेकर्ड प्रिंट का है, एंड अभी तक मैंने पहना नहीं है, बट आई होप अच्छा ही निकलेगा, कलर वाला नहीं जाएगा. और इसमें दोनों साइड पॉकेट्स हैं, और ये भी मैंने शायद मेन सेक्शन में ही से ही पिक किया है, क्योंकि विमेन सेक्शन में थोड़े फंकी टाइप के थे और मुझे थोड़ा ऐसे घर के हिसाब से चाहिए था पजामा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आई हैव आई थिंक कुर्ताज नाउ. ओके सो फर्स्ट वन इज दिस वाइट कुर्ता, वेरी प्रिटी, वेरी नाइस, बेसिक सा है, आप देख सकते हैं इस टाइप से है वाइट कुर्ता. वी नेक मिल जाता है, 3/4 स्लीव्स है इसकी, एंड बेसिक स्ट्रेट फिट वाला कुर्ता है.
आई थिंक ये प्रॉपर व्हाइट नहीं कहूँगी, ये ऑफ व्हाइट कलर का है और आगे आपको बर्स्ट एरिया पे ये ब्लैक कलर की डिटेलिंग मिल जाती है एंड ऑल ओवर ये प्लेन है, लाइक प्लेन सॉलिड कुर्ता और ये इस टाइप से ये बॉर्डर वाली डिटेलिंग मिल जाती है दोनों साइड नीचे तक पूरे कुर्ते में. सो या नेक्स्ट अप इज दिस कुर्ता. ये कुर्ते को मैं एज अ कुर्ता ड्रेस भी वेयर कर सकती हूँ क्योंकि इसमें साइड में स्लिट नहीं है और ये शायद एज अ ड्रेस के पर्पज़ से ही मैंने इसको पिक किया था. सो दिस इज़ अ स्लीवलेस कुर्ता, ब्लैक एंड वाइट का है, लाइक मेजरली तो ब्लैक है. इस टाइप से स्लीवलेस है और ये शॉर्ट कॉलर मिल जाती है एंड ए लाइन शॉर्ट ए लाइन कुर्ता एंड ए लाइन कुर्ता ये यहाँ पे कोई स्लिट नहीं है तो वन साइड तो मिल जाता है इस टाइप से ये चेकर्ड वाला प्रिंट ये एंड एक इधर है यहाँ पे पूरा ब्लैक और ये अंगरखा स्टाइल में तो यहाँ पे टाइंग नॉट भी दे रखी है तो मैं इसको एज अ ड्रेस भी पहन सकती हूँ एज अ कुर्ता भी पहन सकती हूँ. सो या इसीलिए मैंने इसको पर्टिकुलरली पिक किया था क्योंकि कुर्ता मेरे पास बहुत सारे हैं. नेक्स्ट कुर्ता इज दिस जो कि मैंने पिक किया इसकी स्ट्राइप की वजह से. ये भी स्लीवलेस कुर्ता है एंड ये स्ट्रेट फिट कुर्ता है. इसमें स्लीव्स मिल जाती हैं अंदर और ये इस टाइप से है, लाइक वर्टिकल टाइप से इसमें जो भी लाइक प्रिंट है ना वो ऐसा वर्टिकल है तो ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि जो भी अगर कर्वी साइड या प्लस साइज पे हैं या फिर जिनकी हाइट छोटी है तो वैसे वर्टिकल वाला कुछ चीज़ पहनेंगे तो उनकी हाइट भी लंबी लगती है और पतले लगते हैं तो मैंने ये इसलिए खरीदा है. एंड लास्ट क्लोदिंग पीस इज दिस एक बॉटम वेयर जो कि मैंने खरीदा है. आई थिंक दो बॉटम वेयर खरीदे थे मैंने, एक जीन्स भी खरीदी थी वो शायद मैं पहन चुकी हूँ और अभी मेरी अलमीरा में रखी है, मैं आपको उसको ट्राई ऑन में दिखाऊंगी. सो दिस इज द बॉटम वेयर. ये ट्राउजर है, वेरी प्रिटी वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा लगा मुझे. लाइक एज आई एम ऑन अ प्लस साइज तो मुझे बॉटम वेयर लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा ढूंढना पड़ता है बट मुझे ये डबल एक्सल साइज का आ गया एंड आई थिंक इसकी वेस्ट 36 है. मुझे बहुत अच्छा लगा, वेरी स्ट्रेची मटेरियल एंड वेरी कंफर्टेबल. प्लेन ब्लैक कलर का ये इस टाइप का ट्राउजर है, नीचे आपको यहाँ आगे इस टाइप से ये स्लिट मिल जाता है दोनों साइड एंड यू गाइस पहनेगा इसकी फिटिंग बहुत ही अच्छी आई है. और मेजरली क्या है जो थोड़े हैवी बॉटम होता है जिनका या थाइज वगैरह हैवी होते हैं या फिर उनका बॉटम पार्ट हैवी होता है तो उनके बॉटम वेयर जो भी वो खरीदते तो क्रॉच एरिया से बहुत वियर्ड स्लाउची सा ऐसा हो जाता है तो इस वाले बॉटम में मुझे ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, वेरी क्लीन एकदम लुक था तो इसलिए मैंने ये पिक कर लिया और मुझे इसकी रेट भी बहुत रीजनेबल मिली, 799 में मुझे मिली है. सो आई जस्ट ग्रैब बिना कुछ सोचे समझे. कुछ मैंने एसेसरीज पिक की, दो क्लचर्स पिक किए, एक तो मैंने पिक किया पर्पल कलर में और सेम मैंने ब्लैक कलर में पिक किया जिसको अभी करंटली मैं यूज़ कर रही हूँ एंड मैंने पिक किए 4 मिनी परफ्यूम्स जो अभी उनके काउंटर पे ही लगे हुए हैं. आई थिंक इनके बड़े वाले वर्जन नहीं आए हैं तो मैंने एक तो हसल वेरिएंट में पिक किया है, एक रॉक वेरिएंट में पिक किया है, एक स्विंग वेरिएंट में पिक किया है एंड एक जीवे वेरिएंट में पिक किया है. और मैं इसके सारे परफ्यूम्स टू बी फ्रैंक ट्राई आउट कर चुकी हूँ. सो इफ़ यू वांट अ सेपरेट वीडियो ऑन परफ्यूम के कलेक्शन का ऑफ जूडियो मुझे कमेंट सेक्शन में बताएगा, आई डेफिनेटली डू इट. और मैं फुटवेयर का अलग से वीडियो लेके आने वाली हूँ, आज का सिर्फ क्लोथिंग हॉल वीडियो था. सो नेक्स्ट वीडियो आप मेरा देखेंगे फुटवेयर वीडियो एंड या दैट्स अबाउट दिस. और बहुत अच्छा ये ब्रांड है जूडियो पर्टिकुलरली क्योंकि बहुत रीजनेबल आइटम्स मिलते हैं, क्लोथिंग ही नहीं आपको एसेसरीज भी और अब तो मेकअप भी आने लग गया है. एंड या दैट्स अबाउट दिस वीडियो गाइज, मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में. टिल देन बी क्रिएटिव एंड बी स्टाइलिश. बाई.